था, मैं तो आगे गया नहीं, ये लोग चले गए। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, अभी सब हो गया, लो आगे है, आगे कोई बात मवेशी वगैरह ये सब कुछ। देखिए, जो बाढ़ से उत्तराखंड में जो बाढ़ आई, उसका प्रभाव उत्तराखंड से जो सटे हुए रामपुर में भी बहुत बड़े स्तर पे पड़ा है। काफ़ी ग्रामीण जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र पूरी की पूरी तरह से, कई गांव डूब गए हैं, खेतों को बहुत नुकसान हुआ है, लोगों के घरों को नुकसान हुआ है। अच्छी बात यह है कि अभी तक किसी भी तरह के जान के नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन, यहाँ के सुरक्षा बल, पुलिस 24 आवर लोगों के राहत के लिए काम कर रही है, लोगों के लिए मदद कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से इस पर नज़र रखे हुए और पूरी मदद कर रही है। जो लोगों का इससे नुकसान हुआ है, जो खेत से तबाह हुए हैं या घरों को बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी भी आर्थिक रूप से मदद सरकार की तरफ से और प्रशासन की तरफ से की जाएगी, उसका भी आकलन होगा। अभी तत्काल जो ज़रूरत है, लोगों को खाने पीने का सामग्री तत्काल मिले वो दिया जा रहा है, दवाओं की अगर आवश्यकता है वो दी जा रही है। उसके अलावा जो है, लोग जहाँ पर लोग घरों से नहीं निकल सकते, उनको राहत शिविरों में उनको रखने की व्यवस्था की गई है।